Hi students, welcome to Sriram Coaching Classes. Today I am teaching you 7th standards lesson number 4, practice set 16. Question number 2. Y minus 20 degree and Y plus 30 degree are the measure of complementary angles. Find the measures of each angle. देखो अभी ये जो है y, ये एक y plus y minus 20 और y plus 20, ये दोनों जो एंगल्स हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले ये देखो कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने पहले पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस कि ऐसे दो एंगल्स जिनकी एडिशन 90 डिग्री ही हो। तो ऐसे दो एंगल्स हैं यहाँ पे दिए गए कि अभी देखो एक है y माइनस 20, अभी देखो ये है y माइनस 20 और दूसरा है y प्लस 30। तो यहाँ तक समझ में आया? Yes, teacher. Very good. तो वेरी गुड वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है दो, तो ये दो जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उसके मेजरमेंट ये है। कॉम्प्लीमेंट्री है मीन्स वो 90 डिग्री है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 90 डिग्री। इसलिए मैंने क्या किया, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो अभी इसको लिखने के बाद एक काम करते हैं, एक रफ पेज मैं लेती हूँ। वेट अ मिनट, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसे आता है। यहाँ पे देखो तुम लोग अभी कि ये एक एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि y माइनस, हाँ, y माइनस 20 प्लस, ये प्लस का साइन है इसलिए दोनों का एडिशन करना है, इसलिए प्लस y प्लस 3 ये लिखा मैंने, y प्लस नॉट 3 30, y प्लस 30 यहाँ पे है इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे मैंने पहले ये दोनों का मैंने एडिशन जो करना था वो यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे ये एक y है और ये एक y है, दो y तुम लोगों को दिख रहे हैं। तो y प्लस y, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है और ये y के आगे भी 1 ही है। तो 1 प्लस 1 मीन्स 2y, ओके। तो यहाँ पे अभी देखो माइनस 20 प्लस 30, तुम ये जो है ये हमें अभी इसको सॉल्व करना है। तो माइनस 20 और एक प्लस 30 है, इसका मतलब एक प्लस एक माइनस होगा तो वहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन। तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो वो मिलेगा हमें 10। 30 में से 20 माइनस किया, 10 मिला और बड़े नंबर का साइन इज इक्वल टू 90 वैसे की वैसा। तो यहाँ पे देखो एक मिनट, वापस से मैं लिखती हूँ। यहाँ पे हो गया हमारा 2y प्लस 30 में से 20 माइनस किया, हमें मिला 10 इज इक्वल टू 90। अभी देखो 2y मैंने वैसे की वैसे लिखा, 2y इज इक्वल टू 90 भी मैंने वैसे की वैसे लिखा। यहाँ प्लस 10 है तो
तो इधर जाते वक्त वो माइनस टेन होगा। तो यहाँ पे देखो 2y इज इक्वल टू 90 में से 10 माइनस किया, हमें मिला आंसर 80। तो अभी देखो y इज इक्वल टू 80, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाते वक्त वो डिवाइड में होगा। 2 1 2, 2 4 8 और 0। सो y इज इक्वल टू 40। यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिली, यहाँ पे देखो 40। अभी हमें क्या करना है कि इन्होंने ये जो ऐसे एंगल्स दिए हैं उसका हमें मेजरमेंट निकालना है। तो क्या एंगल्स दिए हैं वो? पहला एंगल है y, ये वाला एंगल पहला y माइनस 20, तो उसका हम अभी वैल्यू निकालेंगे। तो वो है y माइनस 20। अभी y की वैल्यू कितनी है बोलो, जिसको आता है वो जल्दी बोलो, y की वैल्यू कितनी है? 40। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट मानसी। तो y की वैल्यू मिली 40 माइनस 20। तो पहला वाला जो मिला 40 माइनस 20 कितना आता है? 20। तो पहला वाला हमें मिला 20। अभी दूसरा वाला जो है वो है y प्लस 30, ये मैंने ऐसे लिख लिया। तो y की वैल्यू कितनी है? 40। वेरी गुड मोइन ने, और किसने आंसर दिया? हाँ शाम्बवी थी शायद, मोइन एंड शाम्बवी। ओके 40 प्लस 30 कितना आंसर आया? 70। वेरी गुड 70। तो हमें दूसरा कितना मिला? 90। सेवेंटी। अभी देखो द मेजर ऑफ द एंगल्स आर 20 and 30 रिस्पेक्टिवली। तो एक का आंसर 20 है और दूसरा जो है वो 70 है, इसका मतलब दोनों का सपोज हम एडिशन करते हैं तो वो 90 आता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसा कुछ होगा वो राइट एंगल, यहाँ पे 20 मेजरमेंट है और यहाँ पे 70। तो इस तरह से हमने ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए किया है, लेकिन इस तरह से हमें ये सम सॉल्व करना है। तो सब लोगों को समझ में आया ये सम मैंने कैसे सॉल्व किया? ये इजी है या? अरे तुझे तेरा रेंज प्रॉब्लम है ना, तू वीडियो देख ले एक बार। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि दो यहाँ पे दिए गए थे, पहला दिया गया y माइनस 20 और दूसरा दिया y प्लस 30, और बताया गया कि दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स दोनों का एडिशन 90 है। तो हमने क्या किया कि वो पूरा लिख लिया, बाद में y और y दोनों का हमने एडिशन किया। ये देखो अथर्व तुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैं वापस बता रही हूँ, y प्लस y तो ये कितना हुआ 2y, और यहाँ पे 20 और 30 का एडिशन किया तो प्लस 10 आया, क्योंकि माइनस 20 और प्लस 30 तो उसका आंसर आएगा 10, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। इस तरह से हमने वो सम किया। बाद में क्या है कि ये 90 वैसे की वैसे, यहाँ पे प्लस 10 है, वो इधर जाते वक्त हुआ माइनस 10, तो 90 माइनस 10 हमें मिला 80। तो 80 2y इज इक्वल टू 80, तो y को वैसे की वैसे लिखा और 2 जो था वो डिवाइड में गया, तो 80 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8 तो और 0 वैसे की वैसा तो 40। तो y की वैल्यू मिली 40। सो वीडियो देख ले तू, y माइनस 20 तो y की वैल्यू मैंने पुट की,
अरे तेरा प्रॉब्लेम है, वो रेंज प्रॉब्लेम है बाळा, सगळ्यांना दिसतंय। 40 - 20 वी गेट आंसर 20, एंड 40 + 30 वी गेट आंसर 70। तो इस तरह से दोनों एंगल्स के मेजरमेंट जो है वो हमें मिल गए। अच्छा, बाकी सबको दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ यस हाँ और समझ में आया सबको? बहुत इजी सम, यस वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच।